अपना खाना नहीं खा सकते हमारे देर में, जैसे हम तेंदुओं को मार देना कभी। माल वाली बीड़ी। और 50 लाख सरकार देगी। तो अभी दोस्तों सोयाबीन और आलू की सब्जी बन रही है, है ना? सुबह में बलराम जी के डेरे से आ गया था और रात को देखिए गुड्डू जी के डेरे में हूँ। इनके वाइफ यहाँ पे मक्की की रोटी बना रहे हैं ना। इन्होंने पहले पूछ लिया था कि चपाती खानी है या मक्की की रोटी, तो भी मक्की की रोटी बन रही है। देखिए दिखते तो बहुत गद्दियों के लिए थी, क्या पता नहीं दिखते हैं तो। जैसे कि हर जगह पलाना चाहिए, माल छोड़ना कहाँ, जहाँ पर पहले दो दिन लगने, वहाँ पर 10 किलोमीटर एक दिन का सफर करना पड़ता है। अच्छा, फिर माल को लंगड़ापन ज्यादा है, बीमारियां कैच होती नहीं, फुट राइट वो चलो, वो सब गद्दियों के डेरे में इलाज है नहीं। आपके गांव में पहले कितने डेरे थे? पहले से हमारे गांव से कोई 15-20 डेरा, अब 3 डेरे बचे हुए। तो आपको क्या लगता है 3 डेरे कब तक रहेंगे? बस एक डेरे छुट्टी करने वाला है खुद। कौन? खुद अपने आप में। रिटायरमेंट लेना है आप? हाँ जी, हाँ जी। कब? अगले साल भेज दोगे माल? हाँ। कितना माल है? 350-300। आजकल तो दिक्कत होना ही, रास्ते में चलेंगे तो गाड़ी वाले करेंगे तंग मारो। रास्ते में गाड़ी वाले तंग करते हैं? तंग करते बाइक वाले, गाड़ी वाले का भी उनको वहाँ पीछे था तो नहीं, वो गुस्सा हो जाते हैं। बरसात के लिए तो आप ऊपर जाते हो बड़ा महंगा। हाँ जी, वहाँ पर तो रेस्ट ना, वहाँ पर तो जाएगी इससे 10 गुना माल करो, लेकिन सर्दी के लिए जंगल चाहिए उतने फिर। हाँ, सर्दी के लिए वहाँ बर्फ पड़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, उस दिन से नीचे को आना पड़ता है, नीचे आके यहाँ प्लांटेशन ज्यादा है। और ये साथ में आपके लड़के हैं? हाँ जी, एक लड़का है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, वैसे तो घर में और एक और लड़का। अच्छा, दो लड़के हैं आपके? दो लड़के, एक लड़की है। अच्छा, एक लड़का और साथ में। लड़का अकेडमी में, लड़की की शादी कर दी अकेडमी में। हाँ जी। अच्छा, वो क्या करते हैं? अच्छा, रेस। यह दोस्त इनका जर्मन शेफर्ड डॉग। ये दादू जी भी आए हैं इनके साथ। हर साल आते हो आप? हर साल ही आते। पिछले साल भी थे इनके साथ। पिछले साल भी थे। मैंने वीडियो बनाई थी इनकी। हाँ जी, हाँ जी, बनाई थी। जंगल में मंगल है। ना सरकारी लेते हैं ना प्राइवेट। हाँ जी। भेड़ की ऊन आपसे? हाँ जी, हाँ जी। वो पिछली बार में 2 महीने लगातार फोन कर रहे उपार बनूरी वालों को। आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोला आपने? मैंने कहा सर ऐसे ऊन बोला आपके, बोला कागज बोला अब बंद हो गए आपके, बोला जब आपने वो 3 साल मार को ऊन दी। अच्छा, फिर बोला हम बनाएंगे, उसने 2-3 महीने ऐसे ला रहे लोग। प्राइवेट वाले भी नहीं आते? वो प्राइवेट वाले सुहा आना, जब रेट होता बात है, नहीं तो पड़े रहो घर में। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ऊन नहीं बिकती आपकी? हाँ, तो वही तो कमाई थी और क्या कमाई भेड़ों से जी। फिर हाँ, भेड़ो से तो मेन ऊन ही है। ऊन ही कमाई है फिर, वो जेब से भी शेयरिंग के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो फिर क्या फायदा फिर उसका रखने का। नहीं तो चल 3 बार ऊन काटते थे हम तो, 3 बार से ज्यादा 17,000 बन जाना था, तो खर्चा पानी सही गुजारा हो जाना था। ऐसा तो किराए में, वो तो किराए में बिक जानी ऊन जब लेंगे नहीं कोई तो। साल में आप 3 बार निकालते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन से महीने में? एक हम अक्टूबर में निकालते हैं जी, एक फिर फरवरी में, एक फिर जून में। आलू और सोयाबीन की दाल? हाँ जी। कैसा है? मक्की की रोटी के साथ बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। आपको रोटी ज्यादा ठीक लगती है, मक्की की या चपाती? मक्की की रोटी मिलती नहीं सर। मक्की की है ना? हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी, और यहाँ पे भी खा रहे हैं। मामे भांजे हैं ये। हाँ जी। अभी मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। मिर्च लगेगी आपको? मिर्च लगेगी। हाँ। मिर्च ज्यादा है? खाते हैं बहुत। ऐसे तो कमी है नहीं, ज्यादा नहीं है। ज्यादा मिर्च खाते हैं हम। मिर्च ज्यादा खाते हो इस डेरे में? इतनी गद्दी से डेरे में सबसे ज्यादा। अच्छा, बकरी का दूध भी ले जाना खाना होगा तो आपने तो नहीं? हाँ। नहीं, मिर्च ज्यादा है ना? ये तो कम है, हम बहुत खाते हैं। इससे भी ज्यादा खाते हो? बहुत ज्यादा। यह रोटी और यह सब्जी मुझे इसकी लग गई। A few moments later. जितने भेड़ पालक आते हैं बरोड से, सबसे ज्यादा मिर्च खाते हैं ये इस डेरे वाले, है ना? और मैं खाता हूँ बिल्कुल ही कम, मतलब जरा भी पड़ी हो तो मुझे हिचकी आ जाती है, और मिर्च से खाई नहीं जा रही, यहाँ पे जलन हो गई।
मुंह में आ गई समझो आप। दो ग्लास पी लिया मैंने पानी का, देखो तीसरा है। मैं तो बस अब दूध पीऊंगा बकरी का, थोड़ा मैं दूंगा आपको दूध। हाँ जी सुनो, आप क्या बोल रहे थे कि कितना किलो मिर्ची खा लेते हो? खा लेते हैं 7 किलो। 7 किलो सर्दी को? सर्दी को 6 महीने में। नहीं जो बोल रहा, कितने लोग? 4 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे। ये 4-5 लोग सर्दियों में 7 किलो मिर्च खा जाते हैं पिसी हुई, ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ जी। बस मिर्च डाले सब्जी में तो ज्यादा लगेगी, धुआं निकल जाएगा, फिर मुंह में आग पड़ जाएगी। आपको सबको आदत है ना, तो क्या करना, कभी कभी आग डालना पड़ता। आग तो ज्यादा हो गई, आज ज्यादा हो गई। आप ना खाना नहीं खा सकते हमारे डेरे में। क्यों? आप बोलोगे वो तो आंटी जी तो ज्यादा मिर्च डालते, कौन खाएगा उनके डेरे में खाना। नहीं सच में आप कैसे खा रहे हो, मतलब इतनी ज्यादा मिर्च खा रहे हैं, क्या करना हो? आपको ज्यादा लग रही? लग तो रही, क्या करना, आदत बनी हुई भाजी। आज ज्यादा लग रही है? आज तो ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा हो रही है। 10% कितनी परसेंट है? मेरे को तो लगती है 10% होना ज्यादा, इनको मेरे को तो इनको पता है। नहीं नहीं लगी तो होगी आपको भी। चीनी डालेंगे बेटा? नहीं नहीं चीनी नहीं, ऐसे ही। गुस्सा करते हैं? आओ ये मजाक कर रही है। आप गुस्सा क्यों करते हैं? मजाक कर रहे हो? ये पी रहे हैं यहाँ पे भरी हुई पीढ़ी, गानी को घूम दे रहे हैं। माल वाली माल वाली पीढ़ी। हाँ ब्रोड का माल, ब्रोड का माल। चार वाली? नहीं नहीं कोठी कांगड़े वाली, कोठी कोड़। और मैं बकरी का दूध, इसमें थोड़ी सी अफीम डाली है। मैं खाई रही खा रही हूँ कुकड़ी की रोटी। ए कोई सुन बने गाना बड़ा सुन दे बंद। और ये जो दूध है उबाला हुआ नहीं है, ये बोल रहे कि बिना उबाले हुए दूध में विटामिन ज्यादा होती है ना? होती है। 4-5 साल बाद ये बोल रहे हैं कि दिखना ही बंद हो जाएंगे, हर साल इतने डेरे बिक रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगले साल ये भी बेच देंगे। मतलब नहीं भाई, बेच दोगे? जैसे मैं इतने सारे ब्लॉग्स बना रहा हूँ भेड़ पालकों के, कल को जब ये माल बेच देंगे सारा, तो मेमोरीज रहेंगी घर में, देख सकते हैं वीडियोस में कि हम कैसे जाते थे, है ना बात? बिल्कुल बिल्कुल सही। लाइव LCD अपने लगाइए बाप दो। वाईफाई से कनेक्ट सीधे। ये बोल रहे हैं कि जैसे शहरों में भेड़ बकरियां पालते हैं लोग, शेड बना के फार्म बना के सेटअप करके वैसा बनाएंगे, है ना? वो स्कीम चलानी है, लेकिन बाहर वाली स्कीम है। बस कल को ऐसा है कि आपके लड़के के जो बच्चे होंगे वो देख सकते हैं कि हमारे दादाजी कैसे जाते थे। वो बोल है ना, वीडियोस देख के व्लॉग्स देख के ये परमानेंट चलती रहनी फिर। यूट्यूब ना होने घटना। सरकार की क्या स्कीम है भेड़ पालकों के लिए? वो तो सर बोले कि आप शेड बनाओ, कि आप फार्म चलाओ अपना खुद आप। अच्छा अगर बाहर नहीं जाना हो तो 1 करोड़ का वो प्रोजेक्ट होगा, 500 भेड़ बकरियों का। हाँ जी। और 50 लाख खुद लगाने पड़ेंगे किसान को, और 50 लाख सरकार देगी, है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा वो स्कीम चलानी, लेकिन ये गमंतू स्कीम अब फेल हो जाएगी भाई जी। जैसा हम तेंदुओं को मार देना कभी, तो हमारे को अंदर कर देंगे। क्यों मारा तेंदुओं को, जानवर को? गलती तो वैसे तेंदुओं की भी नहीं है ना, इसमें नहीं है सरकार वाले की है, तो खोल देना चाहिए, मारना चाहिए। जंगल है नहीं, जो जंगल है उन्होंने जिम्मेदार ने वो घासड़ी बनाई हुई है, अब वो माल वहां पर जाना दे रहे हैं। यहाँ पर है ना, हमारी बूढ़े की जगह हमने कहा छोड़ना, हमने जंगल में छोड़ना माल, तब भी डंडे बज रहे हैं, तो उसकी वजह से वो गद्दी परेशान, तो गद्दी ने माल बेचना ही बेचना। आज ना बिका तो 2 साल के बाद, लेकिन ये खत्म हो जाना धंधा है। 2 दिन पहले मैं किशु गद्दी जी के डेरे में था, तो उन्होंने बताया कि डेरे के पास ही ऊपर सरकारी जगह है, सरकारी जंगल है, वहाँ पे गाँव वालों ने अपनी अपनी जगह बांट दी है और बाड़ लगा दी है, भेड़ पालकों को आने नहीं देते, खुद घास काटते हैं, जबकि वो जगह सरकारी है, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लोग तो दूर दूर से आते ढूंढने। पहले गद्दियों को लोग अपने खेतों में खुद बिठाते थे, राशन देते थे, क्योंकि इनकी जो मिंगने होती है उसकी खाद होती थी, फिर फसल अच्छी होती थी।
लेकिन अब जैसे दूसरे फर्टिलाइजर चल पड़े हैं। हाँ जी, उसके मशीन की अब वैल्यू खत्म हो गई। अब वैल्यू खत्म हो गई, तब तो लोग डंडेबाजी सारे। वैसे ही वैसे आप देख लीजिए सड़कों पे गाय और बैलों का हाल है। पहले के टाइम में कैसे होती थी, पूजा करते थे लोग, अब सड़कों पे छोड़े हुए। आने वाला टाइम बहुत खराब है दोस्तों, बहुत ज्यादा खराब है। वो दो साल के बाद तू जो बोलता भाई ना, तू बोलता ना जब मैं माल बेचूंगा ना, मतलब 10% गदियों को फर्क पड़ जाना। 10% गदियों को? हाँ, एकदम ही अटैक हो जाना। कुछ साल के अंदर हिमाचल में जितने भी गद्दी भेड़ पालक हैं, लगभग सारे डेरे बेच देंगे अपने, सारा भेड़ बकरियां बेच देंगे। नाम नहीं रहेगा, ढूंढ के लाना पड़ेगा। जैसे हमारे बुजुर्गों ने लाया था पहले डंगर पछू दूर दूर से, वैसा सिस्टम आ जाएगा फिर कुछ सालों के बाद, फिर खत्म हो जाएगा, फिर नए सिर से दोबारा फिर चलाना तो पड़ना पड़ने धंधे। लेकिन कुछ साल के लिए खत्म हो जाना है, कुछ सालों के लिए। मैं चाहता हूँ कि इस कल्चर को बचाया जा सके, इसीलिए मैं जंगलों में घूमता रहता हूँ उनके साथ। देखिए मेरे पूरे कपड़े यहाँ पे भी देख लीजिए, जो लोअर है यहाँ पे भी गुम्बर लगे हैं, यहाँ पे भी गुम्बर लगे थे। बहुत बुरी हालत है मेरी भी, मतलब जैसे ये रहते हैं वैसे मैं रहता हूँ जंगल में, इनको पता है। तो सोता भी मैं कोई स्लीपिंग बैग में नहीं हूँ, ना मेरे पास टेंट है, जैसे ये सोते हैं वैसे ही। कुछ सालों में कल्चर ख़त्म होने वाला है, मैं चाहता हूँ ताकि कल को इनके जो पोते होंगे वो भी देख सकें कि हमारे बुजुर्ग कैसे रहते थे जंगलों में। और घोड़े कितने हैं? दो बेच दिए अभी आते आते। आते आते बेच दिए? नहीं तो माल बेचने, तो घोड़े कहाँ डालने, पहले तो उनकी सप्लाई करना पड़ेगी, नहीं तो फिर उनके लिए भी जंगल में घूमना पड़ेगा। पहले कितने घोड़े थे? पहले थे मेरे पास 6 घोड़े। हाँ जी, अब कितने रहे? अब 2 ही बचे हुए। जब गद्दी अपना डेरा बेचते हैं ना, हाँ जी, तो 400-500 भेड़ बकरियाँ वो खरीदते कौन है? वो मार्केट वाले क्या नो कसाई, कसाई कसाई लोग ऐसे मेमने भी काट देते हैं? नहीं नहीं, बेच देने उन्हें, वो बेच देते हैं। फ्री ले जाने, फ्री में लेके जाते हैं। जब 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 माल बेचेंगे ना तो छोटा बच्चा सब फ्री जाएगा। अच्छा, छोटा नई जनरेशन होगी अक्टूबर के बाद, वो सारी फ्री जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और जो आपके 3-4 कुत्ते होते हैं उनका क्या करते हो आप? होगी उनके पास दे देने, वो तो फिर वो ऐसे छोड़ते होंगे सड़क में कुछ ना कुछ। छोड़ो, कुछ हमने कहा डालने बेचारे। लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा ना, मैं तो घर ले जाऊंगा। गद्दी यही तो करते हैं, मुझे पता है। देखो जो बात सच है सच है, डेरा बिकता है तो कुत्तों की तो वैल्यू रहती नहीं, वो तो फिर छोड़ देते हैं उनको घर में। छोड़ देते ना, मिक्स कर देते, तब क्या पता लगना। मिक्स मतलब काट के सप्लाई कर दिया। काट के सप्लाई होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही। कई जगह तो निकली बोले खा ले वगैरह कुत्तों के होटलों में। डेरा खरीदो हमने डाल दिया उसमें एक एक पीस, कोई 70 मकान है तो एक भी कुत्ता नहीं हमारे गांव में। गद्दी लोग कुत्ते बहुत कम पालते हैं अपने गांव में, भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए पालते हैं सिर्फ, बाकी जैसे शौक के लिए, शौक के लिए नहीं पालते हैं, शौक के लिए नहीं पालते हैं। ये तो आपके छोटे वाले लड़के हैं ना? हाँ जी। जो बड़े वाले वो नहीं आते माल के साथ? वो तो दर्शन तक नहीं करता। पिछले साल गया था साथ में, उधर ही उसको ठंड लग गई जैसे घर गए। 1 घंटे के अंदर भाग गया वापस। मुझे तो 4 दिनों से जुखाम हुआ है, पर मैं फिर भी सीधे डेरे में आ गया फिर से। यहाँ पे हो गया दोस्तों मेरा बिस्तरा रेडी सोने के लिए, और ये है पिल्लो, यहाँ पे सोफा है पूरा। नहीं मैं अभी ऐसे सोता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रखवाली कौन करेगा अभी? उदय। अच्छा, कितनी देर? 11 बजे। अच्छा 11 बजे तक ही है, फिर 11 बजे के बाद? अच्छा वो जो नीचे गए वो, अच्छा अच्छा, डेढ़ बजे तक, उसके बाद फिर मैं, अच्छा डेढ़ बजे तक वो करेंगे। हाँ। फिर आप करोगे डेढ़ बजे से? डेढ़ बजे से लेकर मैं 4 बजे तक। 4 बजे तक सुबह? हाँ जी। 4 बजे से लेकर मेरा हस्बैंड 4 बजे से ये करेंगे है ना? हाँ, 6 बजे तक। तो मतलब अभी 4 बजे तक सो जाओगे आप? ठीक ठीक, हमारे को जागना पड़ता है। ये बोल रहे कि आराम से सोते हैं, इनको जागना पड़ता है।